एवरीवन, हमारा जो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट डू यू मीन बाय हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं और हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट केस लॉ। हारमोनियस, जैसे कि नाम से पता चलता है कि हारमोनियस का मतलब होता है आपस में हारमोनियस तरीके से रहना, आपस में मिल बांट कर बिना किसी कंट्रोवर्सी के कोई काम होना। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले भी समझाया, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है स्टैट्यूट्स का मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना। एक तो होता है इंटरप्रिटेशन करना, एक होता है कंस्ट्रक्ट करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब लिटरली उसको एज इट इज़ लेना, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है लॉजिकल तरीके से उस चीज़ के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना। अगर हम बात करते हैं कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि दो ऐसे कुछ स्टैट्यूट्स के बीच में चीज़ें जो होती हैं आपस में कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती हैं। आपस में उन दोनों को अगर हम देखते हैं तो आपस में उनके बीच में कुछ रेपग्नेंशन आ जाती है। कभी कभी देखा गया है या दो से ज़्यादा प्रोविजन्स ऑफ द सेम स्टैट्यूट्स आर रेपग्नेंट। रेपग्नेंट, द कोर्ट विल ट्राई टू कंट्रीव द प्रोविजन्स इन सच अ मैनर। उस केस में कोर्ट उसको इस तरीके से कुछ हैंडल करने की कोशिश करती है कि दोनों ही चीज़ों की बात रह जाए, दोनों ही प्रोविजन्स का मीनिंग भी रह जाए और दोनों की जो मीनिंग है वो ख़राब भी ना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो भाइयों की लड़ाई हो जाती है, भाई बहनों की लड़ाई हो जाती है, तो माँ बाप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उसको भी खुश कर देते हैं और उसको भी खुश कर देते हैं। यहाँ पर कुछ वही वाली चीज़ है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में वो कहते हैं जब दो प्रोविजंस आपस में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है या कुछ रेपग्नेंट हो जाते हैं तो कोर्ट उसको कुछ इस तरीके से ट्राई करती है करने का एज टू गिव इफेक्ट टू बोथ बाय हारमोनाइजिंग देम विद ईच अदर। दोनों का इफेक्ट देने की कोशिश करती है एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज कर। कोर्ट इसको ऐसे करती है कि वो अपेरेंटली उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन है उसको ऐसे डील करेगी कि दोनों क्या मतलब रह जाए। दोनों स्टैट्यूट्स अगर डिफरेंट है एक दूसरे से तो उनको ऐसे यूज़ करेगी कि दोनों का मीनिंग भी रह जाए, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो दोनों को रख भी लेंगे, दोनों गलत भी नहीं है और दोनों को थोड़ा थोड़ा सही का दर्जा भी मिल जाएगा। द बेसिस मस्ट नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉन्ट्रोडिक्ट इटसेल्फ। कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं रहने देंगे उसके अंदर। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन अप्लाइड इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया। इंडिया में तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपके दो प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, तो उस केस में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का जो रूल है वो अप्लाई होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा, एक केस था जिसके अंदर आपका फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों के बीच में आपका क्लैश हो गया था। केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट का 458 नंबर केस। इसमें मेन कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर आर्टिकल 13 हमें देता है कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं। वैसे फंडामेंटल राइट एक ऐसा अधिकार है जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है, छीन अभी भी कोई नहीं सकता, बट यस अमेंडमेंट करना इज ए सॉवरन पावर। अमेंडमेंट करना जो पार्लियामेंट के हाथ में है और वो उसकी सॉवरन पावर है, वो उसको अमेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक एक्सेप्शन भी होगा यहाँ पर, मगर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बिकॉज द पावर टू अमेंड इज ए सॉवरन पावर, बट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट किसी का फंडामेंटल राइट ले नहीं सकता, बट हाँ उसको अमेंड करने का उनके पास पावर है, वो अमेंड उसको कर सकते हैं एट द टाइम अगर उनको लगता है कि इस रूल में या इस फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस की नीड है, तो उसका उनके पास राइट है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों चीजें रह भी गई, फंडामेंटल राइट किसने छीना भी नहीं, मगर उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो भी कर दिए गए। तो यहां पर दो प्रोविजंस जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे थे दोनों को हार्मोनाइज कर दिया गया, दोनों की बातों को रख लिया गया, दोनों की बातों को इज्जत दी गई, और यही इस हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल मीनिंग भी है कि जहां पर दो प्रोविजंस आपस में कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं तो उन दोनों प्रोविजन को साथ में रखा जाता है और कुछ ऐसे डील किया जाता है कि दोनों की बात भी रह जाए और कॉन्ट्रडिक्शन भी खत्म हो जाए। और भी बहुत सारे केसेस हैं जैसे शंभूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, संजीवैया वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल, आपको जो केस पसंद है आप इसमें लिख सकते हैं। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहाँ पर यही है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा।